बच्चों जो है मजमू सवाल दो, 10वीं क्लास का मजमू सवाल दो ले रहे हम, फिसावरस का मसला जो है सबक है उसका, उसमें 13वां सवाल है। मुसलस एबीसी में कता एडी उमूद है कता बीसी पर, एडी उमूद है कता बीसी पर, और बीडी बराबर है 3 CD, बीडी बराबर है 3 CD, ये कीमत दिया हुआ है बीडी की। तो साबित कीजिए कि 2AB की दूसरी बराबर 2AC की दूसरी जमा BC की दूसरी, इस तरह की मसावत हमें साबित करना है। देखो हम शुरू करेंगे हल। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ CD है, BD है ना, तो हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर CD का कहीं नामोनिशान नहीं है, तो हमें CD की वैल्यू निकाल के उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देने का है। इसी तरह BD की वैल्यू भी निकाल के उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देने के तहत ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब मुंतकिल कर देना है, ताकि प्रूफ में वो चीज़ आ जाए। सबसे पहले जो मैं CD देख रहा हूँ, CD कैसे निकालना है, अपने को मालूम है C-D-B है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, CD जमा BD बराबर CB या BC, CD जमा BD बराबर CB। अब CD जमा, अब यहाँ BD की कीमत दी है, देखो BD बराबर 3 CD है, तो मैं BD की कीमत क्या रखूँगा यहाँ पर, 3 CD रखूँगा बराबर CB को मैं BC भी लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख के रखेंगे क्या, BD बराबर, BD बराबर 3 CD, ठीक है। अब CD जमा 3 CD कितने हो गए, 4 CD, 4 CD बराबर BC है ना। अब CD बराबर BC बटे 4, CD की कीमत क्या आ गई, BC बटे 4 आ गई, इसको मैं मसावत नंबर 1 दे दे रहा हूँ। अब उसके बाजू में है DB है ना, तो DB की कीमत भी निकाल के रखा, जिस तरह CD निकाल रहा हूँ CD की कीमत BC की सूरत में निकाल के रखा हूँ, इसी तरह DB की भी कीमत निकालूँगा, तो C-D-B, CD जमा BD बराबर CB है ना। अभी देखो यहाँ पर CD की कीमत हमने निकाले है, वो CD की कीमत यहाँ डाल देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, BC बटे 4 जमा BD की कीमत निकालना, तो BD वैसे रखूँगा, और ये CB को मैं BC भी लिख सकता हूँ, तो अब BD बराबर BC है ना, ये BC की तरफ इसको लेके आऊँगा, माइनस BC बटे 4, BC नफ़ी BC बटे 4, ये BC बटे 4 जो है ना इधर आके नफ़ी हो गया। अब इसको हल करेंगे और हमें BD की कीमत निकल जाएंगी, तो हम यहाँ नसब नुमा में 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते है ना। अब 4 नसब नुमा में 4 आया, अब तिरछी ज़रब कर दो, 4 ज़रब BC नफ़ी, 1 ज़रब BC, 1 ज़रब BC है ना, तो अभी कितना हो गया, देखो 4 BC में से 1 BC गया, तो बचा उधर अपने को 3 BC बटे 4, तो BD बराबर 3 BC बटे 4, 4 BC में से 1 BC चला गया, यहाँ कितना बचा, 3 BC, 3 BC बटे 4, तो हमें BD की कीमत भी निकल गई, इसको हम कितने देंगे, मसावत नंबर 2। अब आएंगे हम मुसलस ADC में फिसागोरस मसले से, फिसागोरस मसले का शॉर्ट फॉर्म फेग एंड मीम से है ना। आपको मालूम है ये 90 दर्जे है, 90 दर्जे के सामने वाला ज़िला वितर होता है, वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है ना, ऐसे होगा, वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर, AD की दूसरी जमा CD की दूसरी। अब AC की दूसरी नफ़ी, ये जो है CD इधर ला के मैं नफ़ी कर देता हूँ, CD की दूसरी, यहाँ क्या बचेगा, AD की दूसरी। देखो AD एक ऐसा ज़िला है जो दोनों मुसलस में,
दोनों मुसलस में, तो मैं ए डी की कीमत निकाल के रख रहा हूँ। तो ए सी की दूसरी नफ़ी सी डी की दूसरी इधर ला के नफ़ी कर दिया बराबर ए डी की दूसरी, तो यहाँ पर मैं सात नंबर तीन दे दे रहा हूँ। अब उसके बाद बाजू वाले मुसलस में, अब मुसलस ए डी बी में फे गैन मीम से, उसमें क्या हो जाएगा ए बी की दूसरी बराबर ए डी की दूसरी जमा बी डी की दूसरी, है ना। इसके अंदर ये क्या हो गया, ये वितर हो गया, तो वितर का मुरब्बा बराबर ए डी की दूसरी जमा बी डी की दूसरी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ए डी की दूसरी कीमत निकाल के रखेंगे, ए बी की दूसरी नफ़ी बी डी की दूसरी बराबर ए डी की दूसरी, यहाँ भी बी डी तरह की नफ़ी हो गया, इस तरह यहाँ भी ए डी की दूसरी आ गया। मसावत नंबर चार, अब मसावत नंबर तीन और चार को देखेंगे तो दोनों में ए डी की दूसरी कीमत यहाँ पर ये बता रहा है और यहाँ पर ये बता रहा है, यानी दोनों के राइट हैंड साइड में ए डी की दूसरी है। तो मसावत चार और तीन और चार से, मसावत चार से हम क्या नतीजा निकालेंगे, ए सी की दूसरी नफ़ी सी डी की दूसरी बराबर ए बी की दूसरी नफ़ी बी डी की दूसरी। जब राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ए सी की दूसरी नफ़ी सी डी की दूसरी बराबर ए बी की दूसरी नफ़ी बी डी की दूसरी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी की दूसरी नफ़ी बी डी की दूसरी बराबर ए सी की दूसरी नफ़ी सी डी की दूसरी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ए बी की दूसरी को लेफ्ट साइड में लाना है, क्योंकि मुझे प्रूफ करने में जो ए बी लेफ्ट साइड में है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस तरफ लिया, इसको इस तरफ कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ए बी की दूसरी बराबर ए सी की दूसरी नफ़ी सी डी की दूसरी, ये जो नफ़ी बी डी है ना इधर आके जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नफ़ी बी डी की दूसरी। देखो इस तरह हो गया, ए बी की दूसरी बराबर ए सी की दूसरी नफ़ी सी डी की दूसरी जमा बी डी की दूसरी, जमा बी डी की दूसरी कहाँ से आया, यहाँ से, ये इधर नफ़ी था इधर आके प्लस हुआ। अब ए सी की दूसरी नफ़ी, देखो यहाँ सी डी की दूसरी है, हम सी डी की कीमत पहले निकाल के रखे हैं, कितनी निकाली है, बी सी बटे चार, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी बटे चार होल ब्रेकिट स्क्वेयर। यहाँ बी डी की कीमत है, यहाँ बी डी की कीमत रखेंगे, बी डी की कीमत कितनी है, बी डी की कीमत है तीन बी सी बटे चार, तीन बी सी बटे चार। देखो इसकी भी कीमत बी सी की मिलाए, इसकी भी कीमत बी सी मिलाए, क्योंकि प्रूफ में बी सी आ रहा है ना, इसलिए हम दोनों की कीमत को काय में ट्रांसफ़र किए, बी सी की कीमत में, बी सी की सूरत में ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुवत दो लगा देंगे, हाँ अभी कुवत दो लग जाएंगी, इधर देखेंगे, अब ए बी की दूसरी बराबर ए सी की दूसरी जो बचा है नफी, हाँ अब देखो बी सी की बी सी बटे चार का मुरब्बा कितना हो जाएगा, बी सी की दूसरी बटे सोलह, है ना, कितना हो जाएगा, बी सी की दूसरी बटे सोलह, चार का मुरब्बा कितना हो जाएगा, सोलह। और इसी तरह बाजू में है, ये कितना हो जाएगा, तीन का मुरब्बा नौ, नौ बी सी की दूसरी बटे सोलह, नौ बी सी की दूसरी बटे सोलह, है ना, इस तरह हुआ। अब यहाँ नसबनों में सोलह है, सोलह को हमें हटाना है, तो तरफ़ैन के हर रुकन को सोलह से ज़रब करने पर, तो कितना हो जाएगा, सोलह ए बी की दूसरी, सोलह ए सी की दूसरी, सोलह से जब इसको ज़रब करेंगे तो सोलह सोलह कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी सी की दूसरी बचेगा, यहाँ भी जब हम 16 से इसको ज़रब करेंगे तो 16 16 कट जाएगा, क्या बचेगा, 9 बी सी की दूसरी, 16 ए बी की दूसरी बराबर 16 ए सी की दूसरी, देखो नफ़ी बी सी की दूसरी जमा 9 बी सी की दूसरी, 9 में से एक को निकाल देने का है, 9 में से एक माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 8, तो 8 बी सी की दूसरी, 8 बी टी की, अभी बोले ना अपने जो प्रूफ करना है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 16, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 16 आ रहा है, और यहाँ पर बी सी है सिर्फ, यहाँ पर 8 है, तो हम 8 को हटाना पड़ेगा, इसलिए तरफ़ैन के हर रुकन को 8 से तकसीम करने पर,
क्या करेंगे, तकसीम करने पर। तो सबको 16 ए बी की दूसरी को मैं 8 से तकसीम कर रहा हूँ, 16 ए सी की दूसरी को 8 से तकसीम कर रहा हूँ, 8 बी सी की दूसरी को 8 से तकसीम कर रहा हूँ। 8 × 8 = 16। यहाँ क्या बन गया, 2 ए बी की दूसरी, 8 × 8 = 16, तो 2 ए सी की दूसरी। अभी 8 एक बार कट गए, यहाँ सिर्फ बचा 1 बी सी की दूसरी। तो इस तरह जो अपना प्रूफ आ गया, क्या 2 ए बी की दूसरी बराबर 2 ए सी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी।